हेलो एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए सर फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड वी आर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज हियर और जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो हर एक मेजरमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है जो लिमिटेशन आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है वही लिमिटेशंस आपकी मेजर्ड वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होंगी जैसे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमारे पास दो स्केल हैं इस लेंथ को मेजर करने के लिए ये हमारा पहला स्केल ये दूसरा स्केल तो पहला स्केल के अंदर हम देख रहे हैं ये सेंटीमीटर स्केल है और इसके अंदर जो एग्जैक्ट हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो है एक सेंटीमीटर की सो so ये स्केल एट बेस्ट वन सेंटीमीटर मेजर कर सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लेंथ से छोटा है ठीक है ये पेन की कैप इस लेंथ से छोटी है तो इसकी लेंथ क्या मेजर करेंगे हम और कोई तो इस पर ग्रेजुएशन है नहीं सो लेंथ ऑफ दिस कैप वुड बी लेस देन दिस साइज जो कि इस स्केल का लीस्ट काउंट है सो so, यहां अगर हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका एंड चार और पांच के बीच में है सो so, चार तो पक्का है इट्स मेजर्ड वैल्यू हम लिखेंगे डेट फोर पॉइंट मेंटली हम इस पूरे डिवीजन को डिवाइड कर देंगे दस भागों के अंदर और हम देख रहे हैं ये कुछ एट्थ डिवीजन के आसपास है तो इसकी वैल्यू मैंने रफली लिख दी फोर पॉइंट एट तो फोर पॉइंट एट मेजर वैल्यू है हम यहां पर लेंथ मेजर कर रहे हैं फोर इज मोस्ट रिलायबली नॉन डिजिट सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट इस मेजरमेंट के अंदर जो है वो है फोर और सबसे कम रिलायबल जो डिजिट यहां पर है वो है 8 क्योंकि 8 डिजिट जो आपको मिली है वो आई एस्टिमेशन से मिली है आपने अपने आंखों से देखकर अनुमान जो लगाया जो एस्टिमेशन किया है ये 8 वहां से आया है जो हम बेस्ट मेजर कर सकते थे इस स्केल से हमने कर लिया और ये वैल्यू निकलकर आई 4.8 सेंटीमीटर इससे ज्यादा बेटर हम इस मेजरड वैल्यू को नहीं लिख सकते ये लिमिटेशन है इस स्केल की ठीक है तो मेजर्ड वैल्यू ये डिपेंड करती है कि हमारे स्केल की एक्यूरेसी क्या है अगर सेम ही लेंथ हम इस दूसरे वाले स्केल से नापेंगे दिस इज फर्स्ट स्केल या सेकंड स्केल सेम वैल्यू में सेकंड स्केल पर अगर नापूंगा तो यहां पर मुझे दिख रहा है फोर और ये एट्थ डिवीजन है ये नाइन्थ डिवीजन है सो ये वैल्यू फोर पॉइंट एट से फोर पॉइंट नाइन के बीच में है इस स्केल से आप जो सबसे छोटी लेंथ मेजर कर सकते हो वो एक मिलीमीटर mm की है ये सबसे छोटी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो फोर पॉइंट एट तो पक्का है और बाकी पॉइंट एट और पॉइंट नाइन के बीच में स्केल की लेंथ कहीं लाई कर रही है तो उसको भी अगेन सेम चीज करेंगे आई एस्टिमेशन से दस पार्ट में डिवाइड कर देंगे और सपोज इसको हमने लिखा है फोर पॉइंट एट फोर सेंटीमीटर तो बहुत फर्क है सर जब आप लिख रहे हो फोर पॉइंट एट वो आपको स्केल के बारे में बता रहा है आपका स्केल एट बेस्ट क्या मेजर कर सकता है फोर पॉइंट एट फोर अगर लिख रहे हो तो ये हमें हमारे स्केल के बारे में बता रहा है तो इसीलिए फिजिक्स के अंदर जब भी हम मेजर्ड वैल्यूज लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम अपने स्केल का जो एक लेवल है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए ठीक है तो इसीलिए हम इन सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं जो कि रिलायबली रिलायबली नॉन डिजिट्स हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर तो यहां पर ये सारे डिजिट चार आठ और ये वाला चार ये वाला चार आई एस्टिमेशन से मिला आंखों से हमने अनुमान लगाया सो ये है लीस रिलायबली नॉन डिजिट सबसे ज्यादा अनसर्टेन डिजिट हम इसी को ही बोलेंगे और ये तीनों की तीनों डिजिट्स हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के कुछ रूल्स क्या होंगे तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी कि अगर हम यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो यूनिट्स के चेंज होने से नंबर ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट वो चेंज नहीं होंगी उस बेसिस पर हमने कुछ रूल्स यहां पर डिसाइड किए जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट अगर किसी नंबर के अंदर सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं फॉर एग्जाम्पल फोर्टी सिक्स पॉइंट एट फोर यहां पर सारी की सारी डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सारी की सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इसका एग्जाम्पल है फोर पॉइंट जीरो जीरो एट दो नॉन जीरो नंबर के बीच में दो जीरोज हैं तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी यानी कि यहां पर चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसके बाद हमने देखा डेट ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल फोर पॉइंट जीरो जीरो हमारी ट्रेलिंग जीरोज हैं आखिरी वाली जो जीरोज हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगी अगर डेसिमल नंबर है लेकिन अगर हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर है फॉर एग्जाम्पल फोर्टी तो यहां पर जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे फिर लास्ट हमने देखा था अगर आपका नंबर एक से छोटा है अगर आपका नंबर एक से छोटा है तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाली सारी की सारी जीरो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं टू देर आर टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन जीरो पॉइंट ठीक है फिर एक रूल ये है डेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मेरे पास एक टोकरा है और उस टोकरी के अंदर हमारे पास आप मान लीजिए कि दस सेब पड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कितने सेब हैं दस एग्जैक्ट नंबर है वो एक तो उसके अंदर अगर आप उसको 10.0000 लिख रहे हो या सिर्फ 10 लिख रहे हो या 10 पॉइंट आप कितनी भी जीरो लगा रहे हो वो हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू को कोरोस्पॉन्ड कर रहा है तो फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर रहे एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं that radius is equal to d by 2 diameter by 2 so this is an exact value exact values के अंदर हमेशा ही infinite significant figures होंगी वो किसी स्केल के कोरोस्पॉन्डिंग हम बात नहीं कर रहे हैं जब हम लेर कर रहे थे तो वहां पर स्केल की एक्यूरेसी लेवल की बात हो रही थी ओके okay? सो so हमेशा ही एग्जैक्ट नंबर्स के केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ऑल ऑफ दीज मेजर्ड वैल्यूज सर ये हमको अज्यूम करना होगा कि ये सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमने की है और तब ये वैल्यूज हमारे सामने आई हैं। सो इन फर्स्ट नंबर ये डेसिमल नंबर है एंड द ट्रेलिंग जीरोस इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट तो यहां पर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन द सेकेंड नंबर ये नंबर लेस देन वन है और जब भी नंबर एक से कम होगा देन ऑल द जीरोज विच आर टू लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है 0.079 सो ये सारी की सारी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है दो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस के अंदर होंगी नाइन फाइव जीरो पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है ट्रेलिंग जीरोज नॉन डेसिमल नंबर है और एंड में जो यहां पर लगी हुई हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो, so तो so तो दो तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1000 ट्रेलिंग जीरोज नॉन डेसिमल नंबर है और जो एंड में जीरोज लगी हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है अब इस लास्ट नंबर को देखते हैं ट्रेलिंग जीरोज ठीक है जो एंड में हम जीरो लगाते हैं डेसिमल नंबर के अंदर अगर वो लगी हैं तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एक दो तीन चार पांच छह सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ ट्वेल्व पॉइंट जीरो तो इसके अंदर हमारी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं अगर मैं लिखता हूँ वन पॉइंट जीरो जीरो यहां पर भी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं सो आई होप आप सभी को रूल्स क्लियर हुए होंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी नंबर के अंदर कितनी है वो कैसे लिखनी है और सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देती हैं जब भी आप किसी मेजर्ड वैल्यूज को लिख रहे हो फोर पॉइंट एट फोर तो वो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है और मेजरमेंट हमेशा ही लिमिटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सो मेजरमेंट उतना ही एग्जैक्ट होगा जितना बेस्ट एक्यूरेसी लेवल आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होगा यहाँ पर बेस्ट एक्यूरेसी लेवल जो मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से या हम कहें कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्रसिशन कितना है वो 0.1 सेंटीमीटर है इसका एक्यूरेसी लेवल कितना है 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ ही मेजर कर पाएगा उससे छोटी जो लेंथ होंगी उनको मेजर नहीं कर पाएगा तो यानी कि जब भी आप इस स्केल का यूज़ करोगे मेजरमेंट के लिए तो आपका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है इसके लीस्ट काउंट के बराबर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर यहां पर मैक्सिमम एरर आप कितना कर दोगे ये एक सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो मैक्सिमम एरर आपका एक सेंटीमीटर ही यहां पर हो सकता है हेड इन सम केसेस वी कैन हैव सम्बिग्यूटीज कुछ परेशानी हो सकती हैं कुछ केसेस के अंदर उसके लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो मीटर्स और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन सर हमारे पास एक मेजर वैल्यू है सपोज हमने लेंथ ही मेजर की और लेंथ निकल कर आई फोर पॉइंट सेवन जीरो मीटर अब इस केस के अंदर हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रही हैं फोर डेसिमल नंबर है ट्रेलिंग जीरो डेसिमल नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट होती है तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई चार फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स अब यहां पर अगर आप यूनिट चेंज करेंगे यूनिट चेंज करने के बाद इफ यू विल कन्वर्ट इट टू टीमीटर्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर सेवन जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर्स इसी को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा फोर सेवन डबल जीरो मिलीमीटर्स नाउ सर इफ यू आर राइटिंग डाउन मेजरमेंट लाइक दिस फोर सेवन डबल जीरो मिलीमीटर्स हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या है ट्रेलिंग जीरोज हैं नॉन डेसिमल नंबर हो गया तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जानी चाहिए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अब ये प्रॉब्लम हो गई सेम ही मेजर्ड वैल्यू को मैं अलग यूनिट में लिख रहा हूं तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो चेंज नहीं होनी चाहिए लेकिन ये एम्बिग्यूटी यहां पर आ रही है तो यहां से फिर गलत मैसेज चला जाएगा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि सिर्फ दो दो डिजिट ही रिलायबली नॉन डिजिट हैं और यहां से मैसेज जा रहा है कि चार डिजिट उस मेजरमेंट के अंदर रिलायबली नॉन है जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता है इन दिस केस वी डू वी राइट द मेजर्ड वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया है तो हम मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं कि कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो किसी के भी पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए यहां से इन्फॉर्मेशन जारी है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहां से इन्फॉर्मेशन जारी है कि फोर सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन डेवलप करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता चले सो वी विल राइट डाउन इट एज फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो इन टू टेन टू दावर थ्री मिलीमीटर्स जीरो जीरो इंटू टेन टू दावर थ्री मिलीमीटर्स सो इसको हम लिख रहे हैं एक ऐसी फॉर्म में ए इंटू टेन टू दावर बी तो जो भी टेन की पावर हम लिखेंगे ये एक नोटेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि हम मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिख सकें कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जो दूसरे लोग हैं वो समझ पाए कि यार इस यारेजर्ड वैल्यू के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है ये हमारा मेन यहां से मकसद है सो so, एक साइंटिफिक नोटेशन डेवलप की कि जो टेन की पावर्स यहां पर होंगी वो सभी, सभी होंगी। powers, होंगी, digits, के सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी टेन की पावर्स नॉन सिग्निफिकेंट होंगी एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ए के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वहां से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स उठाएंगे सो so, इस वैल्यू को जो मैंने लिखा फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी डिजिट्स हैं फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 10 की पावर हम काउंट नहीं करेंगे सो हेयर द रिजल्ट इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन जिससे हमें एक्जेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का पता लगे सो इट इज फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो इंटू टेन टू दॉर थ्री मिलीमीटर्स इसी तरीके से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस फोर पॉइंट और वी कैन राइट इट एज फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो इंटू टेन टू दावर टू सेंटीमीटर अगेन हेयर फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंटू टेन टू द पावर टू वैल्यू यही निकल कर आएगी सो हेयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर फोर एंड इन द सेम वे वी कैन राइट इट डाउन हेयर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंटू टेन टू द पावर वन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फोर तो साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज़ करते हैं कभी कभी जब इस तरह की एम्बिग्यूटी सामने आ सकती है तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करेंगे लेकिन अगर ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है तो हम अपने नॉर्मल रूल्स का ही यूज़ करेंगे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगर हम दो मेजर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उस केस के अंदर सपोज वी 7.0. दो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने मेजर की उनको मैं डिवीजन ले रहा हूं सो so, exactly अगर हम 12 को से कर रहे हैं, so 1, 7 से डिवाइड करें सो वी विल गेट वन सेवन वन फोर टू then it would be eight, a number like this I will get a number like this if I will divide 12 by 7. ठीक है? 12 एक physical quantity है, सात एक physical quantity I am dividing it and I am getting a number like this. Calculator से divide करोगे तो इस तरह का क्या number हमें मिलेगा। But if 12 and 7 are measured values, 7.0 means, इस measured value के अंदर significant digits हैं दो। इस measured value के अंदर significant digits कितनी हैं? तीन। और यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है बहुत सारी सो इफ आई विल राइट द रिजल्ट लाइक दिस वन पॉइंट सेवन वन फोर टू एट हेयर आई एम है सर so मेजरमेंट like हमेशा ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताता है जब मैं इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मुझे अपनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन पता लग रही है और ये इंफॉर्मेशन यहां पर मिसिंग है ठीक है तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकती इनके डिवीजन में सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे हो सकती हैं जबकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कुछ जो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट से पता लग रही है उस केस के अंदर हम क्या करते हैं यहां दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो हमारा जो रिजल्ट है रिजल्ट के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हम उतनी डिजिट्स ही रिटेन करेंगे सो फाइनल आंसर को हम राउंड ऑफ कर देंगे और ये आंसर आएगा 1.7 ठीक है 12.0 डिवाइडेड बाय 7.0 इज 1.7 हमारे प्रोडक्ट के अंदर या इनके डिवीजन के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर उतनी ही डिजिट्स हम यहां पर रिटेन करेंगे ठीक बिकॉज ट्वेल्व पॉइंट जीरो में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इधर दो इनको डिवाइड करोगे सर उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हो सकती हैं मिनिमम कितनी होंगी उसके अंदर हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहाँ पर रखते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राउंडिंग ऑफ रूल्स पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो भी हमारे क्वेश्चन uh, बनते हैं उनको हम वहां पर डील करेंगे सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में यही है दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो राइट हैंड साइड पर जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर सिर्फ उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर उस नंबर में है जिसके अंदर सबसे कम है ठीक है सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ए इन टू बी और जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतनी होंगी जो लेफ्ट वाले नंबर में जहाँ पर भी मिनिमम होंगे सपोज करो इधर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इधर चार तो प्रोडक्ट के अंदर तीन होंगे मिनिमम ऑफ ए एंड बी सो दिस इज ऑल फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन दी नेक्स्ट क्लास थैंक यू